हेलो स्टूडेंट, क्लास फिफ्थ सब्जेक्ट है आपका मैथमेटिक्स। लेसन नंबर हमारा SCF एंड LCM ही कंटिन्यू करेंगे हम। आज हम पेज नंबर 29 में LCM करेंगे हम। पेज नंबर 29 हम LCM करेंगे। पिछले वाली वीडियोस में आपकी जो LCM की फुल फॉर्म वो ही थी वो थोड़ी गलत हो गई थी, तो वो आपकी फुल फॉर्म क्या है LCM की? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल ये इसकी फुल फॉर्म है। तो आज हम LCM करेंगे शॉर्ट डिवीजन मेथड से। किस तरीके से करना है? एक क्वेश्चन आपको मिला है यहाँ पे 15, 20, 25 एंड 35। ठीक है, ये आपको कुछ नंबर्स मिले हैं, तो आपको क्या करना है इस शॉर्ट डिवीजन मेथड से इसका LCM निकालना है। तो इस तरीके से लिखेंगे आप। दो मेथड मैं आपको बता रही हूँ कैसे करेंगे आप। यहाँ पे 15, 20, 25, 35 आप देख लीजिए। ये 15, 20, 25, 35 आपको पता है कि ये 5 के टेबल में आते हैं सारे के सारे, तो आप पहले ही 5 नंबर ले लीजिए। 5 3 जै 15, 5 4 जै 20, 5 5 जै 25 एंड 5 7 जै 35। आपको पता है कि हम इसमें डिवाइड करते जाते हैं, तो आपके पास आप नंबर क्या आएगा, 3 4 5 एंड 7। तो ये सारे प्राइम नंबर्स हुए, तो इसको हम दोबारा से वन वन करके नहीं करेंगे, सीधा आपको इन सबको क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो LCM ऑफ 15, 20, 25 एंड 35 कितना हुआ? ये वाला 5, ये सारे नीचे के प्राइम नंबर है आपके पास 3 4 5 एंड 7, सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे आप LCM में। सबको क्या कर लेंगे, जितने फैक्टर्स निकले हैं उनको क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने में आपके पास कितना है, 210। अब दूसरा मेथड देख लीजिए, क्या कर सकते हैं आप, जितने भी नंबर्स मिले यहाँ पे 15, 20, 25 एंड 35, तो सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि इवन नंबर कौन सा है। तो 20 आपका यहाँ पे इवन नंबर है। ठीक है, कैसे पता लगा? क्योंकि इसके पीछे ज़ीरो है। अगर कुछ बच्चों को इवन नंबर्स प्राइम नंबर्स में कुछ प्रॉब्लम होती है, तो आप क्या करेंगे, यूट्यूब चैनल में जो हमारा है गुरुकुल स्कूल श्रीनगर करके, तो आप क्या करेंगे, क्लास फोर का जो वीडियो होगा क्लास फोर का, उसमें मैंने एक डेफिनेशन लिखवाई है, तो आप समझ लीजिए वो आप एक बार क्या कर लेंगे, उसको चेकआउट कर लेंगे, क्योंकि क्लास फोर में आपने ये टॉपिक किया है, तो इसलिए अगर रिपीट करेंगे तो टाइम थोड़ा वेस्ट होता है। तो आप क्या करेंगे, क्लास फोर का जो वीडियो है एक शायद लास्ट वीक का या इसी जो मंडे का, शायद मंडे का वो वीडियो है, तो आप उसको क्या कर लीजिए, एक बार चेकआउट कर लीजिए। जिनको बच्चों को प्रॉब्लम है उसमें प्राइम नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, ये सारी होल नंबर, नेचुरल नंबर्स आपको बताए गए हैं, तो आप उसमें से एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, तो 20 है तो आपको उसमें इवन नंबर है, तो इसको सबसे पहले हम 2 से क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, 2 इवन नंबर की 2 सबसे 0 स्मॉलेस्ट नंबर है, लेकिन 0 से हम डिवाइड नहीं करते, तो 2 से करेंगे। 2 से हमने क्या करा, डिवाइड 15 को एज इट इज़ लिख लेंगे, क्योंकि 2 से 15 डिवाइड नहीं होगा, तो जो डिवाइड नहीं होते उनको एज इट इज़ हम लिख लेंगे। 2 को हमने 20 से किया तो हमने 10 आया। 25 को भी एज इट इज़ लिख लेंगे, 35 को भी एज इट इज़ लिख लेंगे, क्योंकि 2 से ये डिवाइड नहीं होगा। अभी भी हमारा इवन नंबर यहाँ पे मौजूद है, 10 है, फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें आपके पास 5 आया। ठीक है, 15, 25, 35 हम एज इट इज़ लिख लेंगे। अब आपके पास देखिए यहाँ पे फिर क्या है, फिर आपका इवन नंबर यहाँ पे क्या हो चुका है, नहीं है, कोई भी आपके पास यहाँ पे इवन नंबर नहीं है, क्योंकि 15, 5, 25 एंड 35 है। अब आपके पास क्या है, सारे ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर की सबसे छोटी डिजिट 1 है, तो 1 से हम डिवाइड नहीं करते, 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से जब हम करेंगे तो 3 5 से 15, यानी कि हमारा डिवाइड हो रहा है ये, 5 25 35 नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, इसको एज इट इज़ लिखेंगे। फिर आपके पास 5 5 25 5 35 है, तो ये आपको दिख रहा है साफ साफ कि ये 5 से ही डिवाइड होगा। ठीक है, 3 से नहीं होगा, तो हम क्योंकि इसके ये सारे ऑड नंबर्स हैं, ऑड नंबर की छोटे 3 से हमने किया, तो 3 से तो ये 5 एंड 5 25 नहीं होंगे, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, 5 नंबर से करेंगे हम, ऑड नंबर है जो, तो 5 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
वन जो फाइव, ठीक है, फिर सेवन आपका एज इट इज़ फाइव से सेवन नहीं होगा, फिर नेक्स्ट वाले नेक्स्ट उसमें हम क्या करेंगे, सेवन से करेंगे, तो वन वन यहाँ पे आ गया हमारे पास, सेवन वन जो सेवन। अब यहाँ पे देख लीजिए इस तरीके से वन वन आपका ये क्या हो गया आपके पास, जब पूरा आपके पास पूरे डिवाइड हम कर लेते हैं, हमारे पास वन वन इस तरीके से आपके पास बचता है, ठीक है। तो आप चाहे ये वाला मेथड कर लीजिए, चाहे ये वाला मेथड कर लीजिए, सेम है, कुछ मुश्किल नहीं है। फिर आपने एलसीएम ऑफ 15, 20, 25, 35 इस तरीके से लिखेंगे, तो जितने फैक्टर्स इसके निकल के आए हैं उनको सबको क्या करना है, आपने मल्टीप्लाई करना है, 2 × 2 × 3 × 5 × 5 × 7, ये आप क्या सारे क्या निकल गए इसके फैक्टर्स निकल गए, कि इतनी बार हमने इनको डिवाइड किया गया है, तो ये हमारे पास लास्ट में हमारे पास जब वन 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 बन जाता है, तो ये हमारे इसका मतलब इसके आगे हम नहीं करेंगे, वन से भी करेंगे अगर, तो वन वन जब वन बनी तो यही आएगा, ठीक है।
तो ये सारे इसके फैक्टर्स निकल गए, तो इस तरीके से हमने मल्टीप्लाई करा तो भी क्या आपके पास 2100। यहाँ पे भी हमने किया क्योंकि 15 25, चाहे आप इस तरीके से कर लीजिए चाहे आप इस तरीके से कर लीजिए, जो आपको सूटेबल लगता है। देखिए 15 20 25 35, तो आपने देखा कि ये सारे टेबल किस में आ रहे हैं, 5 में। तो 5 से हमने किया तो ये हमारे पास आया 3 4 5 7, ये सारे प्राइम नंबर्स हो गए। तो इनको सबको ये क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसका मतलब यही, अगर हम 1 1 करके भी चलेंगे तो 3 4 इस करेंगे तो भी लास्ट में आपके पास 1 ही आएगा। तो इनको सबको क्या कर लीजिए, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2100 इस तरीके से आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ फॉर्मूलेज मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे सम फॉर्मूलेज हैं आपके पास, इनको आप देख लीजिए एक बार, फिर इनके बेस्ड में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फर्स्ट आपके पास जो आपका फॉर्मूला है, फर्स्ट नंबर जब हमको निकालना होता है तो क्या करते हैं हम, उसके लिए फॉर्मूला क्या लगा रहे हैं हमने, एलसीएम इंटू एचसीएफ अपॉन सेकेंड नंबर। दूसरा जो फॉर्मूला है आपके पास, जब हम सेकेंड नंबर निकालते हैं तो उसके लिए भी हमने क्या करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ अपॉन फर्स्ट नंबर, उल्टा बिल्कुल। ठीक है, थर्ड है आपके पास, जब हम एलसीएम निकालने के लिए कहा जाएगा तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर अपॉन एचसीएफ, ये भी सेम इसका अपोजिट है। फोर, एचसीएफ हमें जब निकालने के लिए कहा जाएगा तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर अपॉन एलसीएम। तो ये कुछ फॉर्मूलेज हैं, इनको आप अपनी बुक में देख लीजिए एक बार, इसमें ढंग से पढ़ लीजिए, ये फॉर्मूला आप लर्न कर लीजिए, इनके बेस में हम क्वेश्चंस करेंगे। होमवर्क है आपके है आपका पेज नंबर 29 में आपने क्वेश्चन नंबर 7 8 एंड 9 करना है। एलसीएम जो है आपने किया शॉर्ट डिवीजन मेथड से, हमने जो एलसीएम आज किया है, एलसीएम की जो आपकी फुल फॉर्म थी वो पिछले शायद वीडियो में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, तो फुल फॉर्म है आपके पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो ये आपका आज ये कंप्लीट है आपका सेशन। सो थैंक यू क्लास।